दो सवालों से ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ। पहला सवाल, जिंदगी में चाहे कोई भी हो, किसी भी स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी भी हो, उनका मकसद है अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। उन्हें शांति चाहिए जिंदगी में, सब कुछ अचीव कर रहे हैं, लेकिन वह अचीवमेंट ही कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो आई वॉन्ट टू बी इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, ऐसा एक ढूंढने वाले एक सिचुएशन है। अब ये जो हैप्पीनेस है, ये हमें कहाँ मिलेगा? हाल ही में मेरे दोस्त के साथ मेरी भेंट हुई और उसकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। उसने कहा कि बहुत मेहनत करके बहुत दूर में मैंने एक अच्छा सा घर बनाया है, लेकिन वो घर जो है वो बहुत ही बढ़िया बनाया ऐसा कहा उन्हें। लेकिन क्या उस घर से हैप्पीनेस मिलेगा? अगर ये सवाल पूछा जाए तो नहीं। और भी गहराई का सच ये है कि उसी घर को उन्हें छोड़कर ही जाना है। यही पहला सवाल है कि ये स्टेट ऑफ हैप्पीनेस कहाँ है। और दूसरा सवाल, एक पुस्तक में परिचय बहुत ही मुख्य है और उसी प्रकार अंत भी बहुत ही मुख्य है। जब कोई भी पुस्तक खरीदते हैं तो वे ये देखते हैं कि उस ऑथर ने उसे कैसे फिनिश किया है। अब मैं ये दूसरा सवाल जो पूछ रहा हूँ उसमें पहले सवाल का जवाब जरूर रहेगा, इसलिए जानबूझ के ये सवाल कर रहा हूँ मैं। बाइबल इज अ बुक ऑफ ट्रेशर, ऐसा हमने लगातार 50 हफ्ते बात किए हैं, लेकिन जिनको लगता है उनके लिए ट्रेशर है, जो इसे ढूंढ रहे उनके लिए ट्रेशर है। उसे कैसे पढ़ना है ये भी हमने बात की है, उसे कैसे ध्यान करना ये भी बात की है। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में ब्रदर जगन आए हैं। इन दोनों सवालों को आज हम देखेंगे, बाइबल के अंत में ये कैसा खत्म होता है, मैंने जो पहला सवाल किया था उसके और अंत के बीच कोई संबंध है क्या। आइए ब्रदर जगन से मिलकर सवाल पूछते हैं। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, या फिर आपको उसमें कुछ मतभेद है क्या? आप इसे कैसे देख रहे हैं, पहला सवाल और ये दूसरा सवाल, दोनों को आप कैसे देख रहे हैं? हम सबका जो माइंडसेट है वो इस तरह से कि हमारा अंतिम समय शांतिपूर्ण होना चाहिए सभी के लिए। देखिए, कहते हैं कि उस जमाने में जब लोग ड्रामा देखते थे उसमें जिस ड्रामा का पीसफुल एंड होता था वो सराहे जाते थे, और जिस किसी ड्रामा का अंत शांतिपूर्ण नहीं होता था, ट्रेजेडी में होता था, उसे निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में देखते थे। कहने का मतलब बस यही है, एक पीसफुल एंड की इच्छा सबकी आत्मा में होती है। इसके लिए जात पात आस्था ये कुछ भी नहीं है। आप किसी को भी लीजिए और कहां जाए तो जानवर भी पीसफुल एंड चाहते हैं। सबकी जिंदगी ऐसी ही है। जानवर भी यही चाहते हैं। पशु यही चाहते हैं, वो शांति और संतोष चाहते हैं। अगर देखे तो गांव में आपने दादियों को ये कहते सुना होगा कि नींद में ही मेरी जान जानी चाहिए। इसका मतलब ये पीसफुल एंड का अर्थ क्या है? इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर ने संसार को शांतिपूर्ण बनाया था। आज संसार जैसे है वैसे नहीं बनाया था। हमें परेशान करने के लिए क्रिएट नहीं किया। बिल्कुल नहीं। एक शांतिपूर्ण अंत देना उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पता है। वेरी सिंपल, डायरेक्टर को ही पता उसे पीसफुली खत्म करना है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या वाकई में वो शांतिपूर्ण अंत है क्या, और वो है कहाँ, वो क्या करने वाले हैं, ये महत्वपूर्ण है। आज के समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए एक और सवाल हम इससे जोड़ देते हैं, वो क्या है? देखिए, आज लोगों को पता नहीं कि असली खुशी कहाँ से मिलती, इसलिए वो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। चाहे आप किसी भी काम को लीजिए, उसमें कुछ समय का आनंद है, कुछ समय का आनंद ना हो ऐसा कोई काम ही नहीं है। एक टेम्पररी हैप्पीनेस, लेकिन एक और बात है निरंतर आनंद, परमानेंट हैप्पीनेस। यही तो यीशु कहते हैं, जो आनंद संसार दे भी नहीं सकता है, ले भी नहीं सकता है, ऐसा आनंद मैं तुम्हें दूंगा। और वो तो आत्मा से संबंधित है, ऐसा कहने के लिए कारण है। शरीर के संबंध का आनंद शरीर में ही खत्म हो जाएगा। डटकर खाना खाएंगे तो भूख मिट जाएगी, जी हाँ, संतुष्टि मिलेगी, उसके बाद अगर आप भोजन दें और तो ज्यादा नहीं देंगे तो वो उसे खा नहीं पाएंगे। वही खाना जिसे बड़ी दिलचस्पी से खाया उसी को अगर ज्यादा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से इस शरीर से संबंधित हरेक आनंद जो भोजन से शुरू होकर, चाहे ये कितना भी बड़ा हो, चाहे रोल्स रॉयस कार खरीदे, 150 कार खरीद ले तो भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, 151 भी खरीदनी चाहेंगे। लेकिन आत्मा को एक संतोष मिलेगा, और आत्मा का आनंद ही सच में हमेशा का आनंद है। जैसे कि आपने कहा है, परमेश्वर जब सृष्टि करते हैं तो उसे डीएनए के जैसे रखकर किए हैं क्या? ये जो आत्मा है ये उसकी है, उसने श्वास फूकी और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। यानी परमेश्वर ने अपना आनंद हम में फूका है, ये जो आनंद है ये उसका आनंद है। तो क्रिएटर को मालूम है, इसे अंदर रखकर ही हमें क्रिएट किया। सृष्टिकर्ता ने हमारे अंदर बनाया, बाय डिफॉल्ट ये हम में है। लेकिन हमारी आत्मा का जो आनंद है उसे हम किससे लिंक कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है।
आत्मा के आनंद को परमेश्वर से लिंक कर रहे हैं या आत्मा के आनंद को शरीर से जोड़ रहे हैं? तो वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट है। हमारा युद्ध हमेशा इसी से होता है। हमारा प्राण शरीर के साथ चलेगा या आत्मा के साथ चलेगा? आत्मा मतलब जिसमें परमेश्वर है। हम तो शरीर में हैं, हमारे भीतर एक आत्मा है। देखिए, हम क्या करते हैं, इस शरीर की बात को सुनकर इसके लिए मेहनत करके सब कुछ करते हैं और अंत में ऐसा होगा कि एक मुकाम पर निराश हो जाते हैं। एक सैचुरेशन। जी हाँ, चाहे कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो। जैसे कि आप जानते हैं, चार्ल्स डार्विन के बारे में एक बायोग्राफी लिखी गई है। एक निश्चित उम्र के बाद उन्होंने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। जब उनका आखिरी इंटरव्यू लिया गया तो उनसे ये सवाल पूछा गया, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है। तो इन्होंने पूछा, क्यों नहीं? ऐसा है कि बाइबल के विरुद्ध में बोलने वाले लोगों में आप सबसे मुख्य व्यक्ति हैं। जी हाँ। एवोल्यूशन थ्योरी आपने लाई है, ये थ्योरी लाने वाले आप आज बाइबल पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने तो केवल कुछ संदेहों को जगाया कि ऐसे हो सकता था। उसे उन्होंने आस्था में बदल दिया। उसे उन्होंने क्या किया, एक बड़े ग्रुप में बदल दिया। लेकिन मुझे पता है कि बाइबल सही है। उनकी बायोग्राफी के अंत में यही लिखा है। उसी प्रकार एक मनुष्य के जीवन के अंत में आत्मा को खोजने वाला, उस आनंद को खोजने वाली जगह पर मनुष्य आएगा। 60-70 साल तक हम केवल शरीर को ही खोजते रहेंगे, इससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। सर्वाइवल के लिए जरूरी है, इसमें कोई दोराहे नहीं है, पर आत्मा के लिए भी कुछ जरूरतें हैं, उसे हमें ढूंढना है। ऐसी शांतिपूर्ण जगह को मनुष्य ढूंढ रहा है। जी हाँ, मैंने जो दूसरा सवाल पूछा था उसमें पहला सवाल का जवाब भी है। अगर आप एक पुस्तक को लेंगे तो उसमें कुछ कॉमन पोर्शन होते हैं, जैसे फ्रंट पोर्शन, जैसे परिचय और अंत होते हैं। बाइबल एक यूनिक बुक है, पवित्र आत्मा से इट्स फिल्ड विद द होली स्पिरिट, और इसे लिखने वाले भी उसी के आधार पर लिखे हैं। पवित्र आत्मा ने जो कहा उसे लिखे हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो बाइबल में कितने ट्रेजर्स हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंत में रेवलेशंस के आखिरी भाग को अगर आप देखेंगे तो उसमें आमतौर पर मैंने जो पहला सवाल किया था उसका लिंक यहाँ होगा। ये मेरा सवाल है। पहली बात, हमें परमेश्वर को समझना है। बाइबल में परमेश्वर के दो तरह के नाम हैं। एक नाम अनादि परमेश्वर इस तरह से है, अनादि परमेश्वर। देखिए, परमेश्वर ने इस तरह से कहा कि मैं ही आदि और अंत हूँ, अल्फा एंड ओमेगा। आदि का अर्थ क्या, अनादि परमेश्वर, आदि परमेश्वर, इन दोनों में जो फर्क है उसे समझना होगा। अनादि का अर्थ क्या होता है, जिसकी न शुरुआत है, जिसका न कोई अंत है। ओहो, सो देयर इज नो बिगिनिंग, नो एंड, नो एंड। साथ ही एक जगह पर वो कहते हैं कि मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। उसने कहा, आई एम द बिगिनिंग एंड द एंड। तो इन दोनों के बीच में परमेश्वर कैसे आते हैं, या कहिए कि समय है या फिर नहीं है। आप कहेंगे कि आप समय में हैं और समय के बाहर भी है, तो ये कन्फ्यूजन होगा। और वो भी वो खुद कह रहे हैं, वो खुद कहते हैं। देखिए, इसका अर्थ ये है, टाइमलेस गॉड, समय में सीमित न होने वाला परमेश्वर, अनादि परमेश्वर। जब सृष्टि की शुरुआत की तो सृष्टि का मतलब है आदि, यानी समय। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने शुरुआत का एक अंत भी रखा है, और अंत के बाद वो अनादि परमेश्वर रहेंगे। उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन उसने जो शुरू किया उसका अंत है। इसलिए बाइबल की शुरुआत को हम उत्पत्ति कहते हैं और अंत को प्रकाशित वाक्य कहते हैं। उसी तरह से हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने जो शुरू किया उसका अंत भी करेंगे। मैं बाइबल में इन्हें चार विशेष अध्याय कहता हूँ। एक भाई ने मुझे सिखाया था, ये जो चार अध्याय हैं स्पेशल चैप्टर्स, यूनिक, बहुत ही यूनिक चैप्टर्स हैं। कौन से होंगे बताइए? अब ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि आमतौर पर हम सब कुछ इम्पोर्टेंट कहते हैं, लेकिन आप स्पेसिफिकली चार कह रहे हैं। अब सच जो है वो आप ही बता दीजिए, क्योंकि मैं बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता। उत्पत्ति अध्याय एक और अध्याय दो, जेनेसिस 1-2, प्रकाशित वाक्य 21 और 22। ओ, तो पहले बिगनिंग का दो चैप्टर और अंत का जो दो अध्याय। कारण क्या है, इस तरह से पूछे तो इन चार अध्यायों में शैतान नहीं है। ओहो, सैटन नहीं है क्या? शैतान है ही नहीं। उत्पत्ति 3 में शैतान आता है। उत्पत्ति 3 में हम देखते हैं कि शैतान आता है, तो सैटन नहीं है, वो भाग सब बस यही है। यही इन चार अध्यायों में होगा। प्रकाशित वाक्य 20 में परमेश्वर न्याय करके शैतान को नरक में भेजते हैं। रेवलेशन 20 में। जी हाँ, प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में शैतान के बारे में कुछ भी नहीं है। तो कम्प्लीटली इट्स अ डिफरेंट फील। तो जरा सोचिए, ये चार अध्याय कैसे होंगे, इन चार अध्यायों का समय काल कैसा होगा? वही तो ओरिजिनल मेरे हिसाब से गॉड्स फर्स्ट क्या कहो से क्लीन रहने का एक आपने आनंद के बारे में पूछा था ना, यही वो आनंद है। मनुष्य शुरू में
किसी भी वेदना के बिना उसके विचारों में शुद्धता थी जैसे परमेश्वर ने बनाया, बिल्कुल वैसे ही परफेक्टली इन्हीं दो अध्यायों में मिलेंगे। उसके बाद प्रकाशित वाक्य के अंतिम दो अध्याय में मिलेंगे। तो देखिए, हमें इन चार अध्यायों में जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इन चार अध्यायों जैसे जीना है, हमारा डिजायर वैसा होना चाहिए, हमारी इच्छा वैसी हो, हमारी डिजाइन भी वैसी ही है। इन दोनों अध्यायों में परमेश्वर ने हमें ऐसे ही डिजाइन किया था। पहले दो अध्याय में मनुष्य की सृष्टि पूरी हुई, अब तीसरे अध्याय में विलन आता है। जैसे हमारा जीवन उन दो अध्यायों में था, वैसे इस भूमि पर हमें फिर जीना है। वही आखिरी के दो अध्याय हैं, इसलिए परमेश्वर वहां ओपन करके फिनिशिंग भी वहीं आ रहे हैं, वहीं पर आते हैं। देखिए, इसमें एक और महत्वपूर्ण विषय है और आज हम देखिए वहीं पर आते हैं। वो ऐसा है कि 20वें अध्याय में आपको मिलेनियम शब्द मिलेगा। ये इंग्लिश में है, हजार वर्ष का शासन काल, थाउजेंड ईयर्स। अब ये हजार वर्ष का राज्य जो है, ये क्या है? बहुत से लोग इटर्नल लाइफ और हजार वर्ष के राज्य के बीच में कन्फ्यूजन में होते हैं। यानी देखिए, हजार वर्ष का जो राज्य है, यही तो यीशु मसीह का राज्य है। यानी ये जो है वही स्वर्ग का राज्य है, इस तरह से वो सोचते हैं। दरअसल इसका एक्चुअल फैक्ट ये है, उत्पत्ति 1:28 में आदम को देखकर परमेश्वर ने कहा कि तुम सारी चीजों पर अधिकार रखो। अब इस अधिकार को आदम ने खो दिया था। किसे दे दिया? अध्याय 3 में उसने शैतान को सौंप दिया। अब इस खोए हुए अधिकार को फिर से यीशु, जिस तरह से आदम इस भूमि पर शासन करने वाला था, उसी तरह से देखिए परमेश्वर क्या करेंगे, खोए हुए उस अधिकार को जिस तरह आदम को करना था, उसी तरह से यीशु करके दिखाएंगे। वही है मिलेनियम। ये अनंत जीवन नहीं है, स्वर्ग नहीं है, स्वर्गीय शासन नहीं है। स्वर्गीय शासन यानी मनुष्य को एक शासन मिलता है, ये पहला शासन है। इस पृथ्वी पर यह शासन कैसा होना चाहिए, ऐसे स्वर्ग ने सोचा। एक्सटेंशन, स्वर्ग के शासन का एक्सटेंशन। अगर आप इसमें जाएंगे तो एक और खजाना मिलेगा। वी मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन द हेवन एंड हेवनली किंगडम। हेवन एंड हेवनली किंगडम, ये फर्क समझना है, स्वर्ग और स्वर्ग के राज्य के फर्क को समझना है। बहुत से लोग इस फर्क को नहीं समझ पाते हैं। जब यीशु आते हैं तो पिता से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। लेकिन वही यीशु उनके जाने के पहले ये कहते हैं, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा, इस तरह से कहते हैं, है ना? Correct. तो स्वर्ग का मतलब क्या है और स्वर्गीय राज्य का क्या अर्थ है? इस एक्सप्लेनेशन को अगर हम लोगों को समझाए तो बाकी आसानी से समझ पाएंगे। हाँ, ये बहुत ही इस नजरिए को हमें बताना ही पड़ेगा। आप जैसे कह रहे हैं, इस डिफरेंस को हमें समझना है। उदाहरण के लिए, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट यूके में थी एक समय काल में, ये यूके में था। फिर उनके शासन का एक्सटेंशन भारत में भी आ गया। तब जब वो इंडिया में था तो इंडिया का नाम भी यूके में ही था, यूके गवर्नमेंट। हम इंडिया कह सकते हैं, लेकिन अंग्रेज के साम्राज्य को देखेंगे तो कहां से कहां तक था। यानी ब्रिटेन से शुरू होकर इंडिया तक वो थे, मलेशिया तक भी वो थे, वर्ल्ड ओवर में भी थे, पूरी दुनिया में थे। यानी देखिए, इसका नाम तो ब्रिटिश साम्राज्य था, है ना? ब्रिटिश साम्राज्य। देखिए, ये तो तब था। अब यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य नहीं है, अभी इंडियन गवर्नमेंट है। जी हाँ। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ पर है? ब्रिटेन में है। जी हाँ, यूके में। यानी चाहे वो कहीं से भी उठ जाए, ब्रिटेन से नहीं उठेगी, क्योंकि वही ब्रिटेन है, ओरिजिनल ब्रिटेन है। उसका एक्सटेंशन इतनी दूर आया था। और उसी तरह से स्वर्ग में स्वर्गीय गवर्नमेंट है, वो एक्सटेंड होकर कहाँ पर आया? पृथ्वी तक आया। और अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट की एम्बेसी इंडिया में है। इंडिया में उस एम्बेसी के सारे ऑफिसर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं, इवन दो दे मस्ट ओबे इंडियन रूल्स। इंडियन रूल्स के हिसाब से उन्हें गाड़ी चलानी है। Correct. सब कुछ यहाँ है, लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार ही चलेंगे। ठीक उसी तरह से स्वर्गीय गवर्नमेंट ने आज हमें यहाँ पर रखा है। उस हेवनली गवर्नमेंट की एम्बेसी है और हम उसके राजदूत हैं। एक दिन उस हेवनली गवर्नमेंट का किंगडम इस पृथ्वी पर आएगा। परमेश्वर अपने पुत्र को भेजकर इस भूमि पर राज्य करेंगे। हजार वर्ष तक वो शासन चलेगा। तो ये हजार साल का मिलेनियम आपने जैसे अपेक्षा की थी, वो साम्राज्य है जिसे अब तक दुनिया ने नहीं देखा है, एक आनंद का साम्राज्य। वही तो भूमि पर स्थापित होगा, वैसे एक साम्राज्य बनने वाला है। और उस साम्राज्य को कौन चलाएगा?
वो कैसे राज्य करेगा, वो शासन कैसे रहेगा, ये सब कुछ बहुत मुख्य बात है। और वो प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में, यशया के 11वें अध्याय में भी स्पष्ट रूप में बताया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ब्रदर जगन, आपके कहने के मुताबिक हेवन और हेवनली किंगडम के डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपने कहा। और हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद श्रोताओं को इसे कैसे पढ़ना है इसके बारे में हम बात करेंगे। आइजा 11 और इसके बीच का क्या संबंध है, उसमें से क्या क्या ट्रेजर्स हम ले सकते हैं। ये जो अंतिम भाग है, स्पेशली द लास्ट चैप्टर, 2 चैप्टर्स जैसा कि आपने कहा, इसे हम समझ कर हम इसके लिए कैसे तैयार रहें, यही मेरा सवाल है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। क्या आप एक वेबसाइट, वेब ऐप और एक मोबाइल ऐप चाहते हैं? व्यापार जगत में ये बहुत महंगा है। मेरा चर्च या सेवकाई कैसे तेजी से और कम खर्चे में ऑनलाइन हो सकती है? पेश है B12, डिजिटल होने के लिए आपका एक कदम समाधान, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे चर्च रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव से अभी संपर्क कीजिए। आपका चर्च या सेवकाई ये सब कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बारे में एक व्यक्तिगत डेमो प्राप्त कीजिए। हमसे संपर्क कीजिए, हमारा नंबर है 7208375063। ब्रेक के पहले 1000 ईयर्स ऐसा हमने बात की, इसके अलावा आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे हेवन और हेवनली किंगडम ऐसा आपने कहा, और आपने आइजाया चैप्टर 11 ऐसा रेफर किया आपने। ये आइजाया चैप्टर 11 और ये रेवलेशन 20 में ये 1000 ईयर्स का जो पीरियड है, इसका क्या संबंध है, इसे हम कैसे समझें, इसमें लिंक को कैसे अंडरस्टैंड करें, इसे अगर एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा होगा। ये जो 1000 साल है ये किसके लिए है, पहले इसे समझना है, क्योंकि इन 1000 वर्षों के बारे में पुराने नियम में केवल यहूदियों को ही बताया गया था। Only for Jews. आज भी अगर आप यहूदियों को देखें तो वो वेलिंग वॉल जिस पर वो रोते हैं, उस पर वो फूट फूट कर रोते हैं, मसीहा खुद आया। प्रभु यीशु मसीह से भी वही उम्मीद रखी गई, इसीलिए यीशु मसीह को गधी के बच्चे पर बैठा कर राजा जैसे लाए। यहूदियों का विचार ये था कि उनका जो मसीहा है वो राजा के जैसे ही आएंगे, वो सच है, लेकिन साथ ही उन्हें बलिदान होना था, ये बात को वो भूल गए, तो वो बलिदान हुए और वो राजा के रूप में आएंगे। लेकिन ये सब कुछ पूरी तरह से किसके लिए, अगर ये पूछते हैं इस भूमि पर शासन करने वाले लोग कौन होंगे, वो यहूदी होंगे, इसराइली लोग। भूमि पर 144,000 इसराइलियों की रक्षा होगी, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7:1-8 में ये लिखा है। और इन्हीं की रक्षा करने के लिए यीशु आते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए हर्मगदन युद्ध होगा, और हर्मगदन युद्ध में शत्रु से जीतने के बाद ये 144,000 लोग देह में होंगे, और यही लोग बहुगुणित होकर बढ़ेंगे। इन पर शासन करने के लिए यीशु पवित्र लोगों के साथ आएंगे, ऐसा यहूदा 14 में है। हजारों पवित्र लोगों के साथ यीशु पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आएंगे, ये लिखा है। और उनके साथ शासन करने के लिए कौन आएंगे ये भी बताया गया है, प्रकाशित वाक्य 20:1-2 में। तो कौन शासन करने वाले हैं, किस पर शासन करने वाले हैं, ये हमें समझ गया है, हमने देखा है। यानी पूरी तरह से यहूदी लोग ही देह में होंगे, इसराइल के 12 गोत्र, उनके अलावा कोई भी देह में नहीं होगा। मैं टोकना चाहता हूँ, ये 144,000 लोग सिर्फ यहूदी है, ये कैसे आप कह सकते हैं? प्रकाशित वाक्य अध्याय 7:1-8 तक अगर आप पढ़ते हैं, उस क्लेश काल में जो यहूदी देह में सुरक्षित रहेंगे वो तो वही 144,000 लोग हैं। बाकी के जो लोग हैं, जैसे हम कहते हैं ना, जो सेवकाई है वो हमने कर ली है, कुछ लोग रक्त साक्षी के रूप में मरेंगे, बाकी यहूदी जीवित रहेंगे, यानी 144,000, बाकी सब हर्मगदोन युद्ध में खत्म हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे नूह की कहानी में उन 8 लोगों की रक्षा की गई, वैसे 144,000 लोगों की रक्षा की जाएगी। कहते हैं नूह और उसके बेटे, वैसे ही यीशु और ये यहूदी। जिस तरह नूह इस भूमि पर बहुगुणित होकर बढ़ते गया, वैसे ये लोग बहुगुणित होंगे। तो ये जो शासन है, इसी के बारे में वो इंतजार कर रहे हैं। कौन? यहूदी इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो शासन है ये कैसे रहेगा, यही इसकी बड़ी विशेषता है। देखिए, अभी आप जो क्लाइमेट देख रहे हैं, क्या ये क्लाइमेट परमेश्वर ने रचा है? नहीं। परमेश्वर ने जो क्लाइमेट बनाया वो तो उत्पत्ति अध्याय 7 में वहीं पर खत्म हो गया। 7वें अध्याय के अंत में या 8वें अध्याय में परमेश्वर ने क्या कहा, नूह के जल प्रलय के खत्म होने पर परमेश्वर ने कहा कि अब भूमि पर अलग अलग ऋतु होंगे, जैसे कि अभी हम देखते हैं वर्षा ऋतु, ठंड का समय, और ये सीजन्स हैं। पहले सीजन्स नहीं थे, एक ही था। एक ही सीजन के लिए कारण क्या था कि नूह के समय में ऊपर में एक वाटर कैनोपी थी,
और इसलिए सृष्टि के दूसरे दिन पानी जो है ऊपर उठ जाता है। वाटर कैनेपी को आप हिंदी में जल छतरी कह सकते हैं और इसके लिए अलग अलग नाम भी दिए हैं। इसके होने के कारण सूर्य के प्रकाश के अलावा और कुछ क्लाइमेट चेंजेस तो बिल्कुल ही नहीं थे, यानी बादल भी नहीं रहेंगे, वाटर कैनेपी थी। उसके बाद, गौर से सुनिए, उसके बाद उसके नीचे आने के बाद क्लाइमेट बदल गया। तो जब ये 1000 साल का मिलेनियम आएगा तो फिर एक और अलग क्लाइमेट होगा। कौन सा क्लाइमेट? नूह के समय काल के पहले वाला क्लाइमेट, वो जो ओरिजिनल क्लाइमेट। ये कैसे होगा अगर पूछे तो, इसके लिए बाइबल में साइंटिफिक प्रूफ हैं। समुद्र का एक तिहाई भाग सूखने के बाद, यानी देखिए पानी अगर सूख गया तो अपने आप क्या होगा, वो भाप बनकर और उससे बादल बनकर वो वापस आ जाएगा। और जब ये सब कुछ रहेगा उस समय जो सूर्य है और चंद्र है सब रहेंगे, पर हमारे लिए एक बड़ा फिल्टर बन जाएगा। और वो फिल्टर बनने के बाद ऊपर से हम तक जो गर्मी पहुंचती है वो सब कुछ भूमि पर नहीं पहुंचेगी, पहले के जैसे केवल उसका प्रकाश भूमि पर आएगा। यानी यही उस जमाने का पक्का क्लाइमेट था। दूसरी बात, देखिए मनुष्य की स्थिति कभी बदल जाती है, देह की स्थिति कभी भी बदलती है। ये किस लिए? अगर आप आदम के जमाने से नूह के समय तक देखें तो ये पूरी तरह वेजिटेरियन थे। नूह के समय में जल प्रलय के बाद नॉन वेजिटेरियन आता है। और अभी इस मिलेनियम में, यानी कि यीशु के 1000 साल का जो शासन है वो पूरी तरह वेजिटेरियन है। तब आयु भी बहुत ज्यादा होती थी, 900 years, 800 years। जी हाँ, उसी तरह से इसमें भी है। 100 वर्ष का होकर मरने वाला व्यक्ति भी जवान कहलाएगा। तो मिनिमम एज कितनी होती है? 100। अभी आप मिनिमम एज देखेंगे तो सब कम उम्र में मर रहे हैं। देखिए आप जो 50-60 साल की उम्र में मर रहे हैं, कहते हैं ठीक है उम्र हो गई। 70-80 की उम्र में मरे तो कहते हैं काफी उम्र दराज होकर ही मरे हैं। पहले 100 वर्ष में अगर कोई मरता था तो कहते थे कम उम्र में मर गया। एज लिमिट कैसे होगा इसके बारे में सोच के देखिए। वो 1000 ईयर्स है। उस जमाने में जब ऐसा था तब भोजन पूरी तरह वेजिटेरियन था। और मनुष्य के मन की स्थिति कैसी थी अगर या पूछे तो, यशायाह की किताब में अध्याय 11 के 9वें वचन में देखिए, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा कहता है। Yeah, they will neither harm nor destroy on all my holy mountain. तो फिर क्या होगा? आखिर मनुष्य ही है ना? यानी आप मिलेनियम में चले जाते हैं, क्लाइमेट बदलता है, सब बदलता है, आप उसके अनुसार तुरंत कैसे बदलेंगे ये जरा बताइए। बाइबल कहती है न कोई दुख देगा न कोई हानि करेगा। इसे आइज़ाया को प्रभु रिवील कर रहे हैं। रिवील करते हैं। तो कैसे वहां पर रह सकते हैं? मतलब रूल बदलने वाला है, नियम व्यवस्था बदल जाएगी। और वो कैसे बदलेगी? वचन क्या कहता है? लोहे के राजदंड से राज्य करेंगे लिखा है। भजन संहिता 2 में भी है और प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में भी है। लोहे के राजदंड से राज करने वाला आने वाला है। लोहे के राजदंड से राज करेगा, इसका मतलब क्या है? लोहा यानी डिक्टेटरशिप। पर शासन करने वाले परमेश्वर कैसे हैं? प्रेम करते हैं, प्रेम से भरे हैं। प्रेम के परमेश्वर तानाशाही करेंगे। आपने अपने जीवन में ऐसा कॉम्बिनेशन देखा नहीं होगा। अब तक आपने डिक्टेटर्स देखे होंगे। डेमोक्रेसी भी है लेकिन प्रेम भरे परमेश्वर की डिक्टेटरशिप ऐसा आने वाला है जिसे दुनिया ने अब तक नहीं देखा। अब आप ही देखिए, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। अभी हम इंडिया में हैं। जब हम इंडिया में हैं, आप अगर कुछ कचरा फेंकते हैं या फिर देखिए जब ट्रैफिक में होते हैं तो लाइन पार करके आगे खड़े रहना आम बात है। आमतौर पर यहां पर यह होता है, हम उसे अनदेखा करते हैं। लेकिन यही अगर आप सख्त कानून वाले देश में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस रूल को क्या करते हैं? अडॉप्ट हो रहे हैं। ऑटोमेटिक उससे अडॉप्ट करके आप उस लाइन को पार नहीं करते हैं। यहाँ लोग चॉकलेट खाकर उसके कवर को सड़क पर फेंक देते हैं, वो फॉरेन में उसे मेंटेन करते हैं। कारण क्या है? उस देश के नियम के प्रति क्या होते बदल हैं? बदल जाते हैं। अब देखिए इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट साथ ही प्रेम भरा एक रूल आने वाला है। वही है 1000 साल का राज्य। आपके पहले सवाल का ये जवाब है। उस पवित्र पर्वत पर ईर्षा जलन कुछ भी नहीं होगी, कोई ऐसे करेंगे ही नहीं। ईर्षा नहीं होगा, जलसी नहीं होगी, कुछ नहीं रहेगा। ओरिजिनली प्रभु ने जैसे बनाया वैसा ही रहेगा। उस आदम के समय से शुरू होकर यानी उनके उस फल को खाने तक, उस पाप को करने तक, वो पहले जैसे था वैसे रहेगा। और कहा जाए तो ओरिजिनल DNA ऑफ गॉड्स पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द ह्यूमन बीइंग वहां पर है। वही है, वहीं पर आएगा। और उससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर केवल मनुष्य नहीं बदलेगा। वचन 6 और वचन 7 क्या कहता है अगर आप इसे देखें तो, यशा 11:6-7, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, चीता बकरे के बच्चे के साथ बैठा करेगा,
और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। वचन सात, गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान घास खाया करेगा। प्योर वेजिटेरियन। ऐसा होगा क्या? क्या ये हो सकता है? अगर ऐसा पूछे तो आदम से नूह के समय तक ऐसा ही था। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इसे क्यों आइज़ैक को प्रभु रिवील कर रहे हैं, वो भी ये स्टेज पर? क्योंकि ये यहूदियों के लिए उनके आने वाले राजा का शासन है। यहूदियों के लिए यीशु को कैसे आना है? राजा के रूप में आना है, आकर उनका शासन भूमि पर चलाना है, अर्थात जो शासन आदम को दिया गया था। उसके बाद वही शासन कहाँ पर आता है? अगर पूछे तो दाऊद में आता है। दाऊद का सिंहासन, दाऊद के सिंहासन को शासन पूरा करके उसे खत्म नहीं किया। दाऊद के बाद राज्य दो भागों में बट गया, एरेबियम रेहबियम, सुलेमान के बाद ये बट गया। बटने के बाद राजभार भूमि को छोड़ के चला गया। उस राज्य को, जैसे आपने कहा, अगर दाऊद ने शुरू किया तो खत्म यीशु ही करेंगे। तो यहाँ दाऊद ने जो राज्य शुरू किया उसे यीशु को पूरा करके दिखाना है। यानी इस तरह का प्रशासन और इस तरह की प्रजा और इस तरह के जानवरों से ही इस संसार को मैंने रचा, इस बात को अंत में परमेश्वर इसे करके दिखाने वाले हैं। यही है हजार साल का मिलेनियम। इसमें अगर आप देखें तो इसमें एक छोटी बात छिपी हुई है। अगर मनुष्य को देखे तो वो ज्यादा से ज्यादा 969 साल तक ही जिया, कोई भी हजार साल नहीं जिया। मतुशेला 969 वर्ष जिया और आदम 930 वर्ष, इन्हें देखे तो 969 साल तक ही जिए हैं। यानी ये हजार तक नहीं पहुंचे, हजार तक जाने वाले लोग यही हैं। शासन के पूरे होने के बाद छोटे छोटे कुछ कार्य होंगे और फिर उसके बाद हम न्यू गैलेक्सी को देखेंगे। जी, एक छोटा सा, हम प्रोग्राम के अंत में आ रहे हैं, आधा घंटा हो चुका है। अब इस 1000 ईयर्स के अंदर कौन कौन जाएंगे, ऐसा एक फंडामेंटल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसको अगर थोड़ा डिटेल में बताना है तो देखिए, बहुत से लोगों के लिए ये उनकी इच्छा है, जो सभा में आते हैं उनकी इच्छा है कि क्या इस हजार साल के शासन में हम नहीं आ पाएंगे, क्या हम सब भी उनके साथ में होंगे, शासन करेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जानते हैं, लेकिन कहाँ शासन करेंगे ये बात है। देखिए, बहुत से शासन हैं। स्वर्गलोक में एक शासन है, पृथ्वी पर भी शासन है, और इसके अलावा एक और शासन भी है। एक एक व्यक्ति को एक एक जगह के लिए परमेश्वर चुनते हैं। जिसने न्याय के अनुसार जीवन जिया उनके लिए एक जगह, जो कृपा से जिया उनके लिए एक जगह है, इस हजार वर्ष में सच्चाई से जीने वालों के लिए एक जगह है। तो इस तरह एक एक के लिए एक एक है। तो इस हजार साल के शासन में कौन रहेगा? अगर आप ये पूछते हैं, सिर्फ यहूदी लोग ही देह में रहेंगे। शासन करने वाले यीशु मसीह और स्वर्ग से आने वाले पवित्र लोग, आत्मा में आने वाले पवित्र लोग आत्मा की दशा में होंगे। अभी जब हम चर्च की बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह से सिंहासन पर होंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7:9 ये कहता है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। यानी सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं, यानी जो स्वर्गलोक में जाने वाली कलीसिया है, ये वहां चली जाएगी। तो इस मिलेनियम में भूमि पर का जो शासन है, हम अपनी देह में नहीं होंगे। बहुत से लोगों की ये इच्छा है कि हम फिर से शासन नहीं करेंगे। परमेश्वर ने हमें इस भूमि पर इसलिए रखा कि हम देह पर जय पाकर स्वर्गलोक में जाएं, ना कि इसी देह का रूप लेकर भूमि पर फिर से ना आएं। प्रभु जानते हैं, उसने इसके लिए कुछ लोगों को रखा है, वो यहूदी और इसराइली हैं, और उसके पहले उसके आगमन के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये शुरू होगा।